Archana ji, good morning. Good morning. Audience, good morning. Good morning. Telecast भले रात को होगा, लेकिन सबको पता चलना चाहिए कि आज हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, और जब हम सुबह जल्दी उठके यहाँ पे आते हैं, तो सबको पता रहता है कि कौन भाई साहब आने वाले हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूँगा हम सबके फेवरेट, सबसे हिट एंड फिट, सूर्य से पहले उठने वाले, बॉलीवुड के सूर्यवंशी, द वन एंड ओनली सुपरस्टार मॉर्निंग कुमार, सॉरी अक्षय कुमार। जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। अक्षय बाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता, तू जब पैर बनता तो तू पूरा क्यों नहीं झुकता? तू यहाँ तक का ये कौन सा तरीका है? आज नए साल पे सूर्यवंशी फिल्म से पाजी आपकी बो नहीं हो रही हमारे शो पे, क्या बात है। गुड न्यूज, आप सबने देखी है इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म, बॉक्स ऑफिस पे गुड न्यूज लेके आई है, 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है गुड न्यूज ने। अब की बार पाजी 300 के बार सब चल जाए, बस इतना ही बहुत है। नहीं नहीं पाजी, इस इंडस्ट्री के अंदर चलता रहूं बस यही बहुत है। अरे पाजी, ये अगर सोचने लग जाऊं 300 के पार 400 के पार कहीं बाहर ना निकल जाऊं। यार आप लोगों को बताऊं, चलो इस इंडस्ट्री के अंदर आना फिर भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर टिके रहना मुश्किल है। वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वाकई। इतना मुश्किल है कि लोग कंप्लेन करते हैं, मैं पीछे सुन रहा था, सुबह उठूं तो प्रॉब्लम, जल्दी सोऊं तो प्रॉब्लम। नहीं नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम तो ऐसे ही भाजी। जैसे अक्षय आता ना कपिल की धुलाई शुरू, मुझे बहुत मजा आता है। कोई बात नहीं, आज अक्षय पाजी आए, किस दिन सिद्धू जी भी आएंगे। पर पाजी पिछली बार आपने हमारी बोनी खराब कर दी पाजी। क्यों? मेरे सारे आर्टिस्ट नाराज हो गए। क्या मतलब? वो कहते आए नहीं रहे। ना आए नहीं रहे आज, ये देखो सिख, वो कहा है वो तेरे वो सारे लोग जो छुपे रहते हैं, वो तेरे जो, क्या आप लौंडों को लौंडिया बना के पूरे करते हो? बच्चा यादव जी यहाँ आइए। जी 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 जी, ये हमेशा कहता रहता ना शो में बड़ा जोक्स का पिटारा, देखो अपना पिटारा देख। भारती जी आइए। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसकी डाइट क्या है। हाँ। आप लोग गर्मी में आइसक्रीम खाते होंगे। हाँ। ये पूरा ग्लेशियर खा जाते। अरे एक सपना जी, इसका एक फेमस डायलॉग है ना, एक करोड़ दे दो। कितने करोड़ चाहिए तुझे? पूरा चैनल चूस गया तू। सुमोना, माता रानी की कसम, ये रोज कुछ ना कुछ बन के आती है, लेकिन आज तक कॉमेडियन नहीं बन पाई। लड़कियों की चंकी पांडे। चंदन साहब, आप इस शो पे आके ओए होए, इसके अलावा करते क्या? ये एक बार करना, कैसे करते हो? ओए होए। इन सब ने मिलकर सोनी टीवी को लूटा है। इतना लूटा इन लोगों ने, उन बेचारों के पास सिर्फ सूर्यवंशम के अलावा कोई चीज ही नहीं है दिखाने के लिए। वैसे अगर ये लोग नहीं आ रहे तो क्या हुआ? हाँ। हम लोग इनके मोहताज थोड़ी हैं। मैं तो हूं ना। अरे हुआ है मतलब क्या? राज कपूर साहब क्या कहते थे? The show must go on. The show must go on. तू फिकर मत कर, मैं कुछ करता हूँ। करता हूँ क्या? मैं तो करके ही आया हूँ। अच्छा, ये देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को साथ लाया हूँ। हाँ। तो उनकी तस्वीरें लेके आया हूँ, आप लोग देखो, शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो उन्हें अपने शो में लो। अच्छा जी। अच्छा। वो कौन है वो मोटा सा एक, वो जो चोटी वाला? बच्चा यादव। अब ये देखो, ये है शेट्टी यादव। शेट्टी यादव, वाह, देखो ध्यान से, तेरे से मिलता है कि नहीं? ये तो सेम ही है। बच्चा यादव तो सिर्फ जोक्स उड़ाता ना, ये गाड़ियां उड़ाता है। ये गाड़ियों के साथ तू सोच, अगर ये इतनी अच्छी गाड़ियां उड़ाता तो जोक्स कैसे उड़ाएगा? ये तो है। और इनकी बीवी टिटली, वो है टिटली नहीं है, ये देख। ये तो सौरभ शुक्ला साहब है अपने, कल्लू मामा। हाँ तो मामा है तो क्या हुआ, तेरे को तो शौक है मामा को मामी बनाने का है? अरे मामा से याद आया कृष्णा की बात। हाँ।
उसकी भी रिप्लेसमेंट है, ये ले। ये तो गोविंदा सर है। हाँ तो तू ओरिजिनल के साथ काम करना। कब तक वो थर्ड कॉपी के साथ काम करता रहेगा? और वो कौन है तेरा दोस्त, वो ढाबे से आता है चंदू, वो जो पंजाब से लेकर, हाँ चंदू, हाँ पंजाब से लेकर आता है चंदू। तेरे को एक बात बताऊँ, मेरे पास भी मेरा खुद का दोस्त है, उसको ले। कौन सर? ये ले चंकी। ये तो चंकी सर है। अरे तेरे वाले से ज्यादा टैलेंटेड है ये, इसको ले ले। ओह गॉश। और तेरे शो पे एक और है ना वो भूरी, भूरी, हाँ भूरी, ये ले हमारी भूरी देख। रितेश, रितेश देशमुख, हाँ तेरी भूरी से ज्यादा खूबसूरत है, इसको ले ले। और अब बारी है जी अर्चना जी की। ओह माय गॉड, वो तो सामने बैठी है। दो से उठाओ बार फेंको। कब तक दूसरों की कुर्सी पे बैठी रहेगी? ये ले हमारी अर्चना, ये ले, ये ले, ये है मर्द की रानी और ये बोमन ही रानी। और आप ये देख, आप किसकी जगह ले रहे हैं? तेरी जगह और क्या लूंगा, पर मैं तो आया हूँ, मैंने तो कोई नखरा नहीं किया ना बाजी। हाँ तो चला जा तू, तू खुद ही कहता है ना मैं दूसरों का कारोबार खा जाता हूँ। हाँ। आज तेरा खाऊंगा। तो चलो भाई, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अक्षय कुमार शो। तो अब शुरू करते हैं इस शो को, जहां पे हम कपिल से सारे खा जाएंगे हमारा शो। नहीं सर, नहीं नहीं सर, क्या हुआ तुम लोग? नहीं कोई ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढने का जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। मैं तो गुस्सा करती नहीं कभी। सर, इनसे शादी होगी, मेरे को तब नहीं गुस्सा आया। सर आप तो फिर भी हीरो। मैं तो कब से वेट कर रही, पीछे बुलाएंगे। मैं काम पीछे कर रहा था सर, ऐसे मैं। ये क्या? सर मैं ये कहने के लिए आया हूँ, पिछली बार आपने मेरी क्लास ली थी ना, इस बार आप इन सब की क्लास लीजिए। अच्छा, मेरे बारे में बताया था ना आपने। अबे तेरी कोई क्लास है? जो मैं तेरी क्लास लूंगा? इसकी शक्ल देखो, इसकी कोई क्लास है? ये आदमी पता है फर्स्ट क्लास की टिकट लेता है, वहां से भी लोग धक्के मार के इसको थर्ड क्लास में बिठाते हैं। इसकी शक्ल देखो। ला, ये क्या है? ये पिछली बार आपने बताया था कि मैं 5 लाख रुपए पर एपिसोड लेता हूँ। सर ऐसा नहीं है, 5 लाख तब तक है जब तक ये पूरा शो चलेगा। अच्छा, अब आप इनका भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। वैसे तो ये भी ज्यादा है तेरे लिए। इधर। ओहो, क्या है? कैन यू बिलीव इट, सोनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखे आए इन सबके। अरे आज भगवान कसम बहुत मजा आएगा। आज सबके कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जाएंगे, पिछले शो में इस बेचारे के सिर्फ पढ़े गए थे, अब सबके। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट अर्चना पूरन सिंह जी का। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। नहीं। कि शो में मैं फ्री काम करूंगी। है? अच्छा, लेकिन कुछ शर्तें रखी है इसने, क्यों मैं फ्री काम करूंगी? कि ऑडियंस में कोई भी सिद्धू नाम का आदमी नहीं होगा। जिसका भी नाम सिद्धू हो चला अभी निकल जाओ। और शो में जितनी तालियां बजानी है बजा लो। हा? लेकिन ठोको ताली कोई नहीं करेगा। और कहती है कि सोनी जी मैं शो के इंस्टाग्राम के वीडियो तो बनाती हूँ, तो मुझे शादी विवाह के वीडियो फोटोशूट का काम भी दे दीजिए। कैमरामैन परमीत के साथ अर्चना पूरन सिंह मड आइलैंड। वाह भाई वाह। अक्षय यार तुम शर्म करो, मेरी क्लास तो ना लो। अरे छोड़ो। चलो ये हो गया अर्चना जी का। ओहो बच्चा यादव। अरे सुनिए, आओ आओ इधर आओ। इस पे लिखा है कि मेकअप के लिए भले ही 2 घंटे कम दीजिए। हाँ। लेकिन हल्का होने के लिए 5 घंटे चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।